गाइस व्हाट्स अप एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त गौरव कोठारी और आज हम लोग सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वुमेन्स के ऊपर। तो देखते हैं कि हमें मुंबई की पब्लिक क्या बोलती है। तो लेट्स गो फॉर इट। एक मिनट, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाना, ठीक है? तो मिलते हैं। ट्राइंग लाइट दो यार, लाइट ट्राइपॉड कैमरा एक्शन कूल एक्शन। वैलेंटाइन डे अभी आ रहा है, इट्स लाइक वैलेंटाइन वीक हैज बीन स्टार्टेड राइट नाउ, सो देयर लॉट ऑफ स्टफ्स आर देयर, लाइक वन इज टेरी डे, वन इज रोज डे, वन इज लाइक सम डेज डेज एंड ऑल। सो क्या आपने अपने बॉयफ्रेंड से कभी ऐसे स्पेशल गिफ्ट एक्सपेक्ट किया है कभी? हां, क्या बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया पर बॉयफ्रेंड ही नहीं मिला है। आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, आई एम सॉरी, बट देन आई वुड लाइक इफ ही वुड गिव मी समथिंग, अ रिंग और प्रोबेबली चॉकलेट और समथिंग लाइक दैट। जो एक्सपेक्ट किया था वो सब मिल रहा है मेरे को, तो धीरे धीरे सब मिल रहा है। अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेड से ज्यादा मिल रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है। टेडी बेयर रिंग यू नो विद अ रोज लाइक इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल गोइंग आउट फॉर अ डेट। आई एम एक्सपेक्टिंग आईफोन। ओनली आईफोन? या एंड गिफ्ट्स, जमीन के पेपर। हां, जमीन के पेपर, प्रॉपर्टी। हां, एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए। क्या होता है उसे? धोखा और डिसअपॉइंटमेंट। एक्सपेक्टेशंस आर शिट। नेवर हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर मदर, फैमिली, एनीवन। नोर हैव एक्सपेक्टेशंस। या ओके, विद फैमिली यू कैन स्टिल हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे विल ऑलवेज फुलफिल इट। सो व्हाई द हेल विल अ बॉयफ्रेंड फुलफिल योर सैटिस्फैक्शंस और योर एक्सपेक्टेशंस? व्हाई कांट द वुमन जस्ट, इफ शी वांट्स समथिंग, गो गेट इट? ओके, सो आपने आपके बॉयफ्रेंड ने कभी आपके अपनी फीलिंग्स को लेके आपने आपके दर्द को भी कुछ ऐसे गिफ्ट किया जो आपको एक यार अच्छा फील हुआ? आई हैव नेवर रियली एक्सपेक्टेड एनीथिंग, लाइक व्हाटएवर यू गिव मी इट्स ओके। ओके, लेट्स सी स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। ओके, क्या आपके बॉयफ्रेंड ने कभी ये गिफ्ट किया आपको? नहीं, स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अस, फ्रॉम गरीब प्रोडक्शन। सो दिस इज अ स्पेशल गिफ्ट फॉर एवरीवन, सो so this is our gift from you. Thank you so much. Oh, so I think it's bread. What is this? Is it a sponge? Mila 50-50. Definitely 50-50 hoega. Jo bhi hai 50-50 hone wala hai. Theek hai. Matlab zyada acha hoga to nahi dungi. Are mera to boyfriend bhi hai, mere paas nahi hai to meko to koi chahiye na. Tu dhoond le. Gift open ho raha hai. Special gift ho raha hai open. सच में स्पेशल है ना? बहुत स्पेशल है। इधर से ही निकाल देती हूं। हां, क्या है? ओपन करो, ओपन करो। क्या है? यू ओपन इट। ओके, थैंक यू सो मच, आई लाइक इट। ओपन इट ना। टाडा, यस। सो दिस इज अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू गाइस। ये बहुत स्पेशल है, इसकी फीलिंग कोई नहीं समझ सकता। बॉयफ्रेंड भी नहीं समझ सकता। भाई, थैंक यू सो मच। जो गर्ल्स को जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि नॉर्मली गर्ल्स कांट गो टू टेम्पल, गर्ल्स कांट गो टू द किचन, कांट गो टू ईट, गर्ल्स कांट गो टू टेम्पल एंड लाइक स्कूल जाना, तो ये सच में सही है कि कुछ बंद कर देना? यार एक बात बताओ, दुनिया क्या रुक जानी चाहिए जब खून बहे? People have many misconceptions, like before they told us to sweat away from others because it was supposed to be for ourselves, like to have our rest and everything. But now people have many misconceptions that we are, you know, like considered unpure or anything like that. Right. Yeah, it's nothing like that. I mean, we still have, you know, we are human beings, we have rights like others do, so it's not that much of a deal. But duniya ruk jani chahiye. You should stop, you should like, you know the reason why you should not go to the kitchen when you're bleeding is not because of you being on periods, it's now we have started thinking in this way. Yeah. Pehle, everybody used to stop the woman to go cooking and all of that is because she would be uncomfortable. Right. You know, ki you're having the time of the month, it's better for you to rest than to be cooking. That was the reason why women were told to stay in the out of the kitchen.
there was no reason, like okay, yeah, you're on your periods. There's no a big stop to it. It was basic. ये नहीं होना चाहिए. You know, like you should have some relaxing time. Cool. My family is actually very open-minded, so we have never really faced any type of trouble like that. Yeah. No, it shouldn't be like that. It's God's gift. Yeah, it's God. I mean, it's natural. Gift. That's why God has given it to us. So I don't think that it's rubbish. I think it's rubbish. Oh, rubbish why thoughts. Yeah, it's rubbish because if it's like that way, then why did God even give it to us? If people say that you can't go to church, you can't put garland, this and that, then why has God given it to us? So I don't follow it. So that's the reason. I think it. I mean, those were old traditions. Maybe because of the डर्टीनेस या फिर उस टाइम पे वो ये सब नहीं था, इसीलिए वो गंदगी की वजह से खाने किचन में मना करते थे. बट आई थिंक नाउअडेज यू हैव टू हैव लेट देम गो एंड यू नो मॉडर्नाइज योर थिंकिंग, ब्रॉडन अप. लाइक इट्स ओके, इट्स नेचुरल, हैपेंस टू एवरीबडी, एंड आई थिंक दे शुड अलाउ पीपल टू गो. आई मीन आर फैमिली आर वेरी, दे आर वेरी ओपन, दे डोंट मेक एनी सच रिस्ट्रिक्शंस. तो हम लोग सब जाते हैं, टच करते हैं टेम्पल या फिर किचन विचन, एवरीथिंग. देख नाउडेज न्यू जनरेशन हैज बीन स्टार्टेड, सो लाइक अभी भी मतलब जैसे आपने बोला कि अभी कोई इतना मैटर नहीं करता, पर ऐसा अभी भी ओल्ड जनरेशन है, अभी भी है, स्टिल देयर इज पीपल की बिलीव इन दैट. हां, यस यस, दे स्टिल बिलीव, दे बट इफ वी चेंज, आई थिंक द जनरेशन आफ्टर अस ऑब्वियसली दे विल चेंज. इसीलिए बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज एक गॉडेस भी है, ब्लीडिंग गॉडेस. अगर वो गॉड हो सकते और वो ब्लीड कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हम टेंपल में क्यों नहीं जा सकते? राइट राइट राइट. आई फील ये बंद होना चाहिए और हमको सब जगह पे अलाउ करना चाहिए. करेक्ट. व्हाट अबाउट यू? सही बात बोली उसने. सही बात है. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. सही बोला. सो अक्षय कुमार ने एक मुहिम चलाया है कि गवर्नमेंट जो पैड्स है वो फ्री होना चाहिए. ऑब्वियसली, अरे ये 2 रुपए लगते हैं बंदे में, तुम हमसे भी 10 रुपए ले रहे हो, 7 रुपए प्रॉफिट. Yes, of course, because it's very costly sometimes. The good ones are really costly, and bohat, like every year people, I mean women, spend a lot on these stuff. Yeah. Right? Free, so I don't know ki karenge ki nahi karenge, it's doubtful, but at least cost wise company it wale be very low. Munafa nahi hoga. Exactly. So kafi agar low kar sake, to that's really nice. That would be really nice. सबसे पहले तो उस पे जो टैक्स लगा वो हटाना चाहिए. कौन सा टैक्स? GST लगा ना उस पर. हां, स्टेफरी पे भी, लाइक ऑन पैड्स. हां, पहले GST तो हटाओ, फ्री तो दूर की बात है, चलो हम फ्री में नहीं, हम पे कर देंगे, बट उसके ऊपर GST क्यों? ये तो नेचुरल है. या इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. उसके ऊपर GST नहीं लगाना चाहिए. इट शुड बी, बिकॉज़ पीपल विलेज साइड, लाइक दे डोंट हैव सो मच मनी टू बाय इट, एंड सो आई थिंक अक्षय कुमार हैज डन अ ग्रेट जॉब बाय पुटिंग दिस आउट टू पुअर पीपल सो दैट दे कैन गेट इट डन फ्री. So I think the government has done a good idea by doing this at least. इसके ऊपर taxes कब लगने शुरू बंद होंगे? The nation wants to know. You should answer her. Like I just want to know, like when will our government realize that this is not luxury? Yes. If it was luxury, I swear to God, I want to stop to it right now. But you have to ask company like who's making this and like doing it. No, it's not the company. It's the government that's charging you taxes, and our own ministers have said that this it's a luxury to have. Right, right. If it's a luxury to have, I just want to know where in the fucking world can I go to stop this luxury? I don't want it anymore. I'm just so done with people thinking it's a luxury. Like, भाई वो एक हफ्ते में क्या luxury मिला है? ये लड़की भड़क चुकी है, तो भाई अब मैं आपको सभी लोगों को बोल रहा हूँ. एक हफ्ते में क्या लग्जरी मिला है? Make the patch free, right? You make the patch free. You have the worst mood swings ever. Like I have the worst mood swings. I can kill a human being. I can kill a bitch. Okay? And I don't understand. Why are you going back? Come here, no. Going back. I know. I'm just so mad. यार मुझे जानना है. इसमें क्या लग्जरी है? Now women are working. Now women are individual. They are working. Eating, right, they're being fed. They're fighting for the rights. The things have changed. Yeah, things are not obviously changed as much as they should have, like at least in India. Things in America and Europe have changed much more. I think we have reached that 21st century. We have reached that. Shut the fuck up. Shut the fuck up. But like I've reached that point, you know, in my life where I've realized that it's 21st century. I think women can do whatever they want to do now. Right. They can change. They started working. That things are changing around. Okay, super. So, as a feminist, as somebody who believes that a woman has the power in her hands, I think we don't need a man in our lives to do that shit for us. We want to make the country strong, make the women strong. Yeah, fine.
If you want to make the country strong, make the women strong. Yes. So if you want to make country strong, make women strong. If you want to make country strong, then have to make women strong. You. If you want to make the country strong, make women strong. Yes, correct. Gotta fight it. Women need to have a voice now. Yes, enough is enough. Yeah. Time's up, bitches. Yeah. थैंक यू हैशटैग मी टू सो गाइस अब इस वीडियो को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि वुमेन्स के पीरियड्स को के क्या ओपिनियन है तो मुझे आपसे एक हाथ जोड़ के एक गुजारिश है कि इस वीडियो को इस अवेयरनेस को इतना फैलाइए ताकि ये सभी जन के पास चले जाए और आपको अगर वीडियो पसंद आए सिंपल सिर्फ करना है आपको लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे टिल देन खुदा हाफिज़ बाय बाय